अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन में उवैस रज़ा नूरी। रमज़ानुल मुबारक की खुशी मुसलमानों के दरमियान देखने को मिली, मगर इसी दरमियान एक गम की खबर मुसलमानों को सुनने को मिली, जिस गम की खबर ने मुसलमानों के दिलों पर रंज तारी कर दिया। वो गम की खबर ये है, हुजूर गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला के शहजादे सैयद सुबहानी मियाँ साहब क़िबला का एक्सीडेंट हो गया। अल्लाहु अकबर। और एक्सीडेंट भी कोई हल्का फुल्का नहीं, बल्कि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं, मैं ऊपर पोस्ट लगा रहा हूं, तो उसमें भी आप देखें सुबहानी मियाँ साहब क़िबला किस तरीके से वो लेटे हुए हैं। और कार भी थेमेल में आप देख सकते हैं किस तरीके से कार की हालत भी बिगड़ चुकी है। तो आप तमाम ही लोग हुजूर गाजी मिल्लत साहब क़िबला के शहजादे के लिए आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला जल्द अज जल्द उनको शिफा याबी अता फरमाए। यकीनन अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो या किसी का भी कोई हादसात हो, तो यकीनन एक दिल जो है दहल जाता है, वो इसलिए कि आज उनके साथ हुआ कल अपने साथ ना हो जाए। वक्त का कुछ नहीं पता, वक्त जिसकी किस्मत में जो है वो होना है, ठीक है, मगर एहतियात फिर भी जरूरी है। इसीलिए आप सुबहानी मियां साहब क़िबला के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जल्द अज जल्द शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। क्योंकि यकीनन जो जो ये खबर सुन रहे हैं हुजूर गाजी मिल्लत के चाहने वाले, उनके लिए एक दुख भरी खबर है ये। वो सब के सब दुआ कर रहे हैं सुबहानी मियाँ के लिए कि अल्लाह उनको शिफाता फरमाए। और यकीनन ये जो है काफी हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं कि जो हाशमी मियाँ साहब क़िबला को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, उनको उनके ऊपर जान को निछावर करते हैं। इसीलिए तमामी लोग उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको जल्द अज जल्द सेहत अता फरमाए।